भीगा भीगा है समा, ऐसे में तू है कहाँ, मेरा मेरा दिल ये पुकारे आजा मेरे गम के सहारे आजा। चाचा ऐसा ना खड़े होकर जरा पीछे को लो इसको। मेरा दिल ये पुकारे आजा मेरे गम के सहारे आजा। जाड़ा पड़ रहा चाचा, ये लगा लो, ठंड में मर रहा मैं तो, इसीलिए आया कि चाचा ने आग जलाई बैठा होगा बुड्ढा। ठंड में यही को तो सहारा और काहे को है। मार फूक, फूक में भी जान ना तेरी, मैं तो मोल लगा दू। जाड़ा बहुत हो रहा था तो सुनाओ क्या चल रहा। मैंने तो एक बात सुनी। कहा? तुम्हारे पोते का कोई मैच चल रहा कही है आज? हम बे चल तो रहे हो पर जाना रहे हो फिर देखने के लिए? लेके ना जा रहा, कहा करूं? लेके ना जा रहा क्यों चाचा, क्या परेशानी बन गई? जो कह रहे तुम्हारे कहा कौन, हम लौंडा लवार इनको कहो मैं हज के, तुम कहा करोगे? चाचा खेलेंगे ना तो देखने का तो मजा लेंगे ना। जो तो कही मैंने, जो कह लगो जो बॉल बॉल लग जाए तुम्हारे तुम खाई रहो। चाचा ले जाने का इंतजाम तो मैं बता दूंगा। अच्छी हाँ, वैसे भी तुम्हारा पोता तो दो सीरीजों को जीत गया पहले मैंने सुना। और खा वैसे थोड़ी है, अब की दफा हारेगा। मैं उस लौंडे को सपोर्ट कर रहा हूँ, उसको अजय को, जो येलो टाइटन का वो कप्तान है दरोगा? हाँ उसी को सपोर्ट कर रहा हूँ मैं तो। छोले भटूरे खिलवाए उसने कल कि चाचा आ जाइयो देखने के लिए, मगर मैं चल रहा हूँ तेरे लिए, तेरे छक्के चौकों पे सीटियां मारूंगा। अब चलने की बिद कैसा लगा फिर? बिद तो चाचा लग जाएगी पर शर्त लगानी पड़ेगी। तुम आओ एक बता, तुम्हारी टीम जीत गई तो मैं तुम्हें ओबीडी और माचिस दूंगा, मंडल माचिस, और जो लौंडा जीतता है येलो टाइटन वाला तो चाचा तुम मुझे दोगे एक मंडल माचिस। मंडल माचिस, मंडल माचिस, ठीक है, डन रही। चलने की फिर मैं बतलाता हूँ तरकीब, आ जाओ चलो। बढ़िया खाद देख रजाई और हो गए ना मजा आ जाए। तो चाचा एक कंबल रखवा लो। चाचा तुम क्या कर रहे हो इसमें? मैं भैया तेरी सपोर्ट में जा रहे, तुझे मैच जितवाऊंगा यार। ए चाचा बाहर निकला है मैं, सू वो अमन ना ले जाने का, बच्चों देखो तुम्हें तो समझा लेंगे, कहते क्यों ना हो। मना कर रहा हूँ, हम सपोर्ट को ही तो जा रहे हैं, बैठे देखते रहेंगे हज के, और कहा बाबू टैप टैप कर जाएगा और कुछ ना। जरा ला मैं संभाल सामान को संभाल रहा हूँ तुम्हारे को, दियो बाबा मैंने पता चल गई ना बता देगा तुम्हें। चाचा मजा आ जाएगा, चार चौंद लग जाएंगे आज मैच में तुम चल रहे हो। ना जितवाऊंगा चिंता मत कर, बस तुम मुझे छोले कुलचे खिलवा दियो, कोई दिक्कत ना खिलवा देंगे। कर दे बंद कर दे, ज्यादा ना लग रहा है। आ जाएगा मैच में मजा, चाचा चल रहे हैं। जीतेंगे हम ही फिर भी। सभी अब टीम मेंबर्स तैयार हो रहे हैं। हमारी दो टीम्स हैं, रेड टाइगर्स एंड येलो टाइटंस। येलो टाइटंस पिछली बार से दो बार से हार रही है तो उनमें बहुत ज़्यादा गुस्सा है हम रेड टाइगर्स को हराने का, जबकि रेड टाइगर्स जीत रही है दो बार से तो उनमें बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है इन लोगों से जीतने का। तो सब जीतना चाहते हैं, हारना कोई नहीं चाहता, बट मैं जब भी कहूँगी लूजर्स कोई नहीं होता, ऑल आर फाइटर्स एंड चैलेंजर्स। और हम लोग, मैम इनको भी दिखाओ जरा, ये लोग प्रैक्टिस में लगे हुए हैं सारे के सारे। ये देखो सुरील भाई वहाँ तक भाग चुके हैं, एक बॉल लेने गए हैं वो, उन्होंने बॉल मारी थी, और ये लोग सुबह सुबह आते ही यहाँ पे प्रैक्टिस में लग चुके हैं। येलो टाइटन्स इतना घबराया हुआ है रेड टाइगर से, इतना डरा हुआ है कि सुबह सुबह आते ही पहले प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी है इन लोगों ने। वो उधर भैया वहाँ पे पूरी उसको पिच को कवर अप कर रहे हैं, मतलब उसे तैयार करने में लगे हुए हैं।
जो भी पिच पे होता है वो मुझे ज़्यादा नहीं पता इस बारे में, लेकिन वो तैयारी करने में लगे हुए हैं। और बाकी दो इनिंग्स में मैं तो लेट ही आती थी, लेकिन ये फर्स्ट ऐसी पहला दिन हुआ है जिसमें मैं भी टाइम से आ गई हूँ। सुबह से ही मैंने इन लोगों को ज्वाइन किया है, तो देखते हैं कितना ये लोग क्या कर पाते हैं। रेड टाइगर्स जीतती है या येलो टाइटन्स जीतती है, आज किसकी विजय होगी और किसकी हार होगी। राम राम जी सभी को, और मैं आशा करता हूँ सब आप लोग अच्छे होंगे। और अभी हमारा वार्म अप चालू है, आज हमारी जो हमने मुहिम उठाई थी उसकी आज तीसरी सीरीज शुरू होने वाली है। दो सीरीज हम हार चुके हैं, बहुत ही आज ओवर कॉन्फिडेंस में हार गए थे हम, बट आज लड़के सारे के सारे कॉन्फिडेंट हैं, सब लोग उत्सुक हैं मैच शुरू होने के लिए। और आज हम 3-0 से हराने की कोशिश करेंगे रेड टाइगर्स को। और थोड़ा मौसम भी ठंडा है और बार एक नया जोश है आज सारे के सारे खिलाड़ियों में, और होप सो अच्छा ही होगा, बाकी देखते हैं आगे चल के क्या होगा। तो जी राम राम जी सभी को, आज हमारी तीसरी मैच की जो सीरीज है वो चालू होने वाली है और हम अब टॉस करने वाले हैं। अभी थोड़ी सर्दी की वजह से यहाँ कुछ खिलाड़ी भी कम आए हैं और जो हमारे एम्पायर होते हैं वो अभी रास्ते में हैं, पहुँचने वाले हैं, तो उससे पहले हम टॉस करने वाले हैं। अगर एम्पायर नहीं है तो हमारे पास अभी एक वरिष्ठ नागरिक है जिसको हम सभी एक्स्ट्रा रेस्पेक्ट देते हैं और वो ऐसा डिज़र्व भी करते हैं, एक स्कूल टीचर हैं और हम लोग सब इनसे बड़े एजुकेटेड होते हैं। नमस्ते रुचि मैम। नमस्ते सर। तो आज अजय शर्मा जी भी हैं, हमारा मैच है, ये तीसरी सीरीज है। आप, मैं कॉल पे बात कर लेता हूँ आप जब तक। तो अगर आज आप टॉस जीतते हैं तो आप क्या करना चाहोगे? हम बॉलिंग ही करेंगे अगर टॉस जीते हैं तो। ठीक है, वैसे टॉस का मौका मुझे मिला है आज टॉस, तो मैंने फिर से ज्वाइन कर लिया है। और जैसा मैं बता रहा था आपको, रुचि मैम वैसे मेरी टीम में खेल रही हैं, जैसा वो पिछली दोनों सीरीज में भी खेल रही थी, लेकिन ये दूसरे मैच से अक्सर ज्वाइन करती हैं या तीसरे से, क्योंकि समय का थोड़ा इनका ऐसा ही है। तो रुचि मैम आज आप हमारा टॉस करवा दें, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और मैं जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उन्हें भी धन्यवाद बोलता हूँ और एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम धीरे धीरे ना इसको अच्छे पैटर्न में लेके आ रहे हैं कि किस तरह से हम सबकी बैटिंग दिखा सकते हैं, सबकी बॉलिंग दिखा सकते हैं, आपका पूरा मनोरंजन करवाएंगे। और आशा करता हूं आप मेरे लिए ये दुआ करोगे कि रेड टाइगर्स येलो टाइटन्स को सफाया कर दे। तो टॉस की तैयारी हो चुकी है, अजय आप कॉल कर रहे हो या मुझे करना है? मैं कॉल कर रहा हूँ और हेड आया है, आप जीत चुके हैं। तो हम लोग पहले बॉलिंग करेंगे और अमन भाई को बैटिंग के लिए बुलाएंगे। तो आप बताइए आप लोगों का कैसा एक्साइटमेंट है बॉलिंग का और बैटिंग का? नहीं, ये चुनाव इन्होंने बढ़िया किया है, पहले ये लोग बॉलिंग कर रहे हैं, कोई नहीं, लेकिन हम बैटिंग करना पसंद करेंगे। और थैंक यू। ओके मैम। आता न्यूको मैच तो होगा, दी गए चलता, चलो चलो जल्दी यार, गेंद ही चल जाएंगे। मंदा बोल, काई देख लिए ना काई ने? अभी उधर बैठेंगे, पेड़ के पीछे आ जाओ। अमन ने देख ली ना अपनी दादी, जा कह देखो ना मेरे पीछे पीछे आ गए। जाहिल बुड्ढे वहां हुआ ना आगे। रेल निकल कर जा रही है ना से, चल जा। पहले ओवर की पहली बॉल है, बड़ा शॉट, क्या अच्छा शॉट मारा है। तंसी ऑच का और जुगाड़ हो जाता ना तो ठीक रहता है भाई। जब ये खाएंगे पियेंगे वहां का जुगाड़ कैसे होगा, यहां तक कैसे आ गए? हैगा वो इंतजाम मेरे दिमाग में, चिंता ना करो। दरोगे इसका इतिहास छोले भटूरे नहीं लाएगा। फिर तो ठीक है। और काफी अच्छे अच्छे शॉट मारे हैं इस ओवर में, चार बॉलों में। वो क्या शॉट था, क्या ये चौका होगी बॉल? चौका 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 चौका, चार रन, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अरे आज हमारी तीसरी सीरीज है और हमारी दोनों ही टीमों में उत्साह बहुत है।
ओहो हो, क्या शॉट था, छक्का छक्का मारा, छक्का। बेईमानी हुई है चाचा, छक्का मारा है, बेईमानी से मारा, ये गेंदबाज मिला पड़ा है इससे। बॉल दिख नहीं रही है मुझे भी, बाहर गई है, ग्राउंड से बाहर गई है ये बॉल। बहुत ही अच्छा शॉट मारा है अमन भैया ने यहाँ पे। तो जैसे कि मैं बता दूँ, ये दूसरा ओवर चल रहा है और अमित भाटी तैयार हैं बॉल फेंकने के लिए। ओहो हो, क्या शॉट है, क्या ये दो 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 के लिए भागेंगे? नहीं 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 नहीं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इधर आप देख सकते हैं कैप्टन साहब फील्डिंग सेट कर रहे हैं। आज पूरा वो लगा देंगे जोर। काफी अच्छा, मतलब येलो टाइटंस खेलते हुए। ओहो हो, सिंगल से संतुष्ट होना पड़ा हमारी टीम को। 40 रन हो गया ना, तो पांचवा ओवर चल रहा है, 40 रन हो चुके हैं टीम के। दूसरा विकेट, आउट हो गया। ले मेरे चाचा, ले ले, गणेश कर रहा ना मेरे सामने, ले ले, आउट हो गया। तो अजय भैया ने दूसरा विकेट और हमारी टीम का भी दूसरा विकेट, यानी कि दो विकेट अजय शर्मा जी ने ले लिए हैं। आज तो काफी कमाल कर रही है येलो टाइटंस। वो आईना कर रहे हैं अमन भैया बाइक से। और ये तीसरे खिलाड़ी हमारे मोहित भाई, जो कि बैटिंग पे आ चुके हैं। अमन भाई दोनों तरफ से सारे ऑर्डर बांटते हुए। पर है आखिरी गेंद है, मनीष ये गेंद लेकर चल रहे हैं और नौवे ओवर की आखिरी गेंद। प्रदीप, बहुत ही गजब शॉट लगाया प्रदीप ने, रजनीश जो की चाका भेज देंगे इसको, गजब। बहुत ही बेकार फील्डिंग कर रहे हैं रजनीश। इस बात के लिए आपको एक मंडल मिलेगा 5-7-2 का। बहुत ही गोबर फील्डिंग हो रही है यहाँ पर। तो 9 ओवर हो गए हैं और रन कितने हो गए, 97 रन हो गए हैं 9 ओवर की समाप्ति पर। दो विकेट हमारे आउट हो गए थे, 97, 3 रन की दरकार है, 100 रन पूरे हो जाएंगे। आखिरी ओवर है, बहुत बढ़िया बैटिंग कर रहे हैं प्रदीप और मोहित, दोनों ने बिल्कुल ऐसे वक्त में टीम को संभाला है जब टीम को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। बहुत लाजवाब बैटिंग। और अखिल कर रहे हैं आखिरी ओवर की पहली गेंद। मोहित रिस्क नहीं लेने का। ओपनिंग में हमारे सुनील भाई और अजय भाई, भाई। सुनील भाई, ये सर्डे सुनील भाई, अजय शर्मा जी ओपनिंग भी चांस। सुनील भाई बहुत अच्छी बॉल, तो ये है डॉट बॉल, बहुत अच्छी बॉल है, एक बॉल पे 2 रन। ये तो आदमी आया बैटिंग के लिए, चाचा जैसा आदमी पे दाव लगाता हूँ मैं, दो बीडी आदमी पे, दो बीडी दूंगा। अगर आदमी 0 पे आउट हुआ तो एक दो रन बनाएगा तो तुम मुझे 2 बीडी दियो, और क्या होता। चल ठीक है, सुनील भाई थोड़ा फॉर्म में लग रहे हैं अपने, बहुत अच्छी बॉल, फिर से डॉट बॉल, पट्टे चक रहे हैं, 2 बॉल 2 रन। और अमन भाई अपना नेक्स्ट ओवर फिर से आए हैं, मनीष भाई स्ट्राइक पर है और इनकी पहली बॉल, थोड़ा मिस हुआ, सदाकत के हाथ में डायरेक्ट बॉल है। स्ट्राइक पर अपने अजय भाई खड़े हैं, अच्छा खेल रहे हैं, अच्छा स्कोर को बनाए रखे हैं, क्योंकि हमारे जो नुकसान हमारी टीम को भुगतना पड़ा सुनील भाई के विकेट का।
और ये रेड टाइगर जीत गई, पहला मैच रेड टाइगर जीत गई, जीत गए। और रेड टाइगर जीत गई। पहला मैच था, हमने 10 ओवर में 99 रन बनाए थे और बड़ी कसम कसमें थे कि 100 रन बनाने थे ना, और ये हारे हैं 18 रन से, साथ 14 रन से हारे हैं। ये चालू है क्या? 14 रन से ये लोग हारे हैं, 12 रन से हारे हैं, 11 रन से हारे हैं, और बड़ा अच्छा लग रहा है। हमने तीनों मैच, हमारे तीन सीरीज हुई हैं और तीनों सीरीज में पहला मैच हम लोग जीतते हैं, वही प्रक्रिया अभी भी कंटिन्यू है और ये मैच हम जीत गए हैं। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक ऑल टीम। अगेन मैच होने वाला है, सेकंड मैच। मोहित भाटी को मैन ऑफ द मैच पहले मैच के लिए। बहुत बढ़िया।